नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहाई न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अवैध ईंट भट्टों को लेकर हाईकोर्ट सख्त। डेंगू को लेकर अस्पतालों में अलर्ट जारी। बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी। मैच विनिंग पारी के बाद ईशान किशन ने दिया बयान। बिहार के 4 शहरों में पटाखे छोड़ने पर प्रतिबंध। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी। मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए विद्यार्थी अब 15 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकेंगे। बिहार बोर्ड ने छात्र हित का ध्यान रखते हुए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। पहले फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर तक ही थी। विभिन्न स्कूलों से बड़ी संख्या में छात्रों के अब तक फॉर्म नहीं भरे जाने की जानकारी मिलने के बाद बोर्ड ने यह कदम उठाया है। निर्देश दिया गया है कि मैट्रिक परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले रजिस्टर्ड विद्यार्थियों की वेबसाइट पर मूल पंजीयन कार्ड और परीक्षा आवेदन का प्रपत्र अपलोड है। इसके साथ बोर्ड ने कहा है कि अगर भविष्य में छात्र के एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की गड़बड़ी रहती है तो इसके लिए स्कूल प्रभारी जवाबदेह होंगे। इसके लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए फॉर्म में हुई त्रुटियों का सुधार स्कूल के प्रधान के द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन करवा ले। अवैध ईंट भट्टों को लेकर हाईकोर्ट सख्त। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध रूप से चलने वाले ईंट भट्टे से होने वाले प्रदूषण के मामले पर सुनवाई की है, जिसमें अनमोल कुमार की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को की गई कार्रवाई का ब्यौरा अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बता दें कि पिछली सुनवाई में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अवैध रूप से चल रहे 102 ईंट भट्टों को बंद कर दिया गया। साथ ही यह भी कहा कि अगर ऐसे अवैध रूप से ईंट भट्टे चालू पाए जाए तो उन्हें तत्काल बंद करा दिया जाए, जिस पर कोर्ट ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि आपने सभी 102 ईंट भट्टों को बंद करा दिया, लेकिन आपके होते हुए इतनी बड़ी संख्या में ये ईंट भट्टे चल कैसे रहे थे। इस मामले पर फिर अगली सुनवाई 14 नवंबर 2022 को की जाएगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सुबह 8:16 पर अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह यादव को 22 अगस्त को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 1 अक्टूबर की रात को ICU में शिफ्ट किया गया था। मेदांता के डॉक्टर का पैनल मुलायम सिंह यादव का इलाज कर रहे थे। मुलायम सिंह यादव के निधन पर देश भर के नेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। गोपालगंज सीट से बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने किया नामांकन। बिहार में 3 नवंबर को 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। गोपालगंज सीट से भाजपा प्रत्याशी कुसुम देवी ने नामांकन किया है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि सुभाष सिंह ने लगातार 4 बार विधानसभा की सेवा की। मुझे पूरा विश्वास है कि कुसुम देवी के रूप में गोपालगंज विधानसभा को एक बढ़िया विधायक मिलेगा। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन से पूरा देश आहत है। बता दें कि गोपालगंज में प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री रहे सुभाष सिंह की बीमारी से मौत हो जाने के कारण सीट खाली हो गई थी। डेंगू को लेकर अस्पतालों में अलर्ट जारी। राजधानी पटना में डेंगू के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते रविवार को एक बार फिर से डेंगू के नए मामलों की संख्या ने 90 के आंकड़े को पार किया है। अब तक पटना में 1,939 डेंगू के नए मरीज मिले हैं। डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए पटना नगर निगम को स्वास्थ्य विभाग से निर्देश मिला है कि अब निगम क्षेत्र में विशेष फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है और सभी वार्डों में 3 बार फॉगिंग किया जाएगा। जहां डेंगू मरीजों की संख्या अधिक है उस जगह को चिन्हित कर निगम ने एंटी लार्वा का छिड़काव करवाने का काम दिया है। इसके साथ ही पटना DM चंद्रशेखर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग समेत सारे अस्पतालों को निर्देश दिया है कि फॉगिंग और टेमीफॉक्स को नियमित छिड़काव किया जाए। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि इन बीमारियों के लक्षण की जानकारी और कैसे इससे निजात मिले, इसके लिए क्या करे क्या न करे की विस्तृत रूप से लोगों में प्रचार प्रसार किया जाए। बिहार के 4 शहरों में पटाखे छोड़ने पर प्रतिबंध। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर में किसी तरह के पटाखे छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य शहरों में ग्रीन पटाखे छोड़े जा सकते हैं। वातावरण में बढ़ रही प्रदूषण की मात्रा के मद्देनजर बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संचालक अरुण कुमार का कहना है कि पटाखों से ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण भी होता है। इन शहरों में प्रदूषण की मात्रा पहले से ही खतरनाक स्तर तक पहुंच
पहुंच चुका है। ऐसे में बोर्ड इन शहरों में सभी तरह के पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर प्रदूषण रोकने का प्रयास कर रहा है। इस संबंध में बोर्ड की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है। बिहार के 9 जिलों के भूजल में मिला यूरेनियम। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट से यह पता चला है कि बिहार के 9 जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है। सीजीडब्ल्यूबी ने राज्य से 634 नमूने लिए थे, जिनमें 11 नमूने में यूरेनियम ने 30 पीपीबी से अधिक मिले हैं। बता दें कि जिन जिलों में यूरेनियम 30 पीपीबी से अधिक मिले हैं, उनमें भभुआ, सारण, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और बेगूसराय शामिल है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि 30 पीपीबी से अधिक यूरेनियम वाले नमूने जांच के लिए लखनऊ भेजे गए हैं। वहीं बोर्ड इसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी मदद मांगी है। दोनों संस्थान मिलकर यूरेनियम के बारे में पता लगाएगी। अधिक यूरेनियम वाली पानी पीने से थायराइड कैंसर, रक्त कैंसर, बोन मैरो डिप्रेशन और अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती है। इससे 7 बच्चों को भी कैंसर होने का खतरा रहता है। देश के तिरंगे में चक्र की जगह तलवार। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर सिवान में निकाले गए चश्ने ईद मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान एक खास वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अपमान करते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में अशोक चक्र की जगह तलवार और उर्दू में सरकार की आमद मरहबा लिखा हुआ है। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए युवक को पहचान कर हिरासत में ले लिया गया है। ऐसा ही एक वीडियो सिवर जिले से भी सामने आया है, जिसमें जुलूस के दौरान एक युवक तिरंगा लेकर जाते हुए नजर आ रहा था, लेकिन इस तिरंगे में अशोक चक्र की जगह हरे रंग से चांद तारा का चित्र बना हुआ था। आरजेडी की कार्यकारिणी की बैठक में नहीं पहुंचे तेज प्रताप। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चल रहे राजद के कार्यकारिणी बैठक का आज दूसरा दिन है, जहां बैठक में कल की घटना को भुलाते हुए पार्टी महासचिव श्याम रजक एक बार फिर पहुंचे। वहीं लालू प्रसाद के बड़े बेटे और बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप बैठक में नहीं शामिल हुए हैं। माना जा रहा था कि पिता लालू प्रसाद के 12वीं बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के दौरान तेज प्रताप स्टेडियम में पहुंचेंगे, लेकिन तेज प्रताप अब तक यहां नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में तेज प्रताप को लेकर यहां चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं ना कहीं श्याम रजक को लेकर तेज प्रताप की नाराजगी अभी भी बनी हुई है। बता दें कि बीते दिन रविवार को तेज प्रताप यादव ने श्याम रजक पर आरोप लगाया था कि उन्होंने गालियां दी थी। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने श्याम रजक को आरएसएस का एजेंट बताते हुए पार्टी से निकालने की मांग भी की थी। जनता दरबार में नारेबाजी सुन खुश हुए सीएम नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर से जनता दरबार कार्यक्रम में आम लोगों की शिकायत सुन रहे थे। इसी दौरान एक शख्स जोर जोर से नारेबाजी लगाने लगा, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश भैया जैसा हो, देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जैसा हो की नारेबाजी की आवाज जैसे ही मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंची, उनके चेहरे पर खुशी दिखने लगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मुस्कुराया और फिर हाथ उठाया। नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए कहने लगे, एक से एक है सब, और फिर नीतीश कुमार खूब हंसे। वहीं आपको बता दें कि आज से जनता दरबार में नीतीश कुमार ने विभाग से जुड़ी दिक्कतों का निपटारा किया, जिसमें आरजेडी कोटे के मंत्रियों को छोड़कर नीतीश कुमार के बाकी विभागों के मंत्री मौजूद रहे, लेकिन तेजस्वी यादव वहां मौजूद नहीं रहे। तेजस्वी का खेल बिगाड़ेंगे मामा साधु यादव। बिहार में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिस पर तेजस्वी यादव की सीधी नजर गड़ी हुई है, लेकिन गोपालगंज में तेजस्वी के सामने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई और तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। बता दें कि इन्होंने अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी बीएसपी के टिकट पर गोपालगंज से चुनाव लड़ने जा रही है। साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगी। उनका मायका गोपालगंज के अरार गाँव में है। गोपालगंज में अब तक साधु यादव ये चुनाव लड़ते आए हैं, वे गोपालगंज के सांसद भी रह चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे पटना। कांग्रेस पार्टी में लंबे अरसे बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होने जा रहा है। इसी को देखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे इसी सिलसिले में 11 अक्टूबर को बिहार दौरे पर होंगे। मिली जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों में मल्लिकार्जुन करीब 10 राज्यों का दौरा करेंगे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उनका समर्थन मांगेंगे। हालांकि उनके चुनाव प्रभारी और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी आज ही पटना पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बिहार कांग्रेस के नेताओं से 1-to-1 मुलाकात की है। इसके साथ ही उनके द्वारा पार्टी के वोटर्स को मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में एकजुट करने के लिए उनकी तरफ से संपर्क अभियान चलाया गया।
जनता दरबार में दिव्यांग बेटे के साथ पहुंचा फरियादी। सीएम नीतीश कुमार जनता दरबार में आज लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं। इस दौरान समस्तीपुर से एक फरियादी अपने 7 साल के दिव्यांग बेटे के साथ पहुंचा है। फरियादी ने कहा कि भैया मैं बहुत कष्ट में हूं। फरियादी ने कहा कि मेरा नाम सुरेंद्र ठाकुर है, घर समस्तीपुर में है, हम जदयू के अति पिछड़ा के जिला सचिव भी रह चुके हैं। फरियादी ने सीएम नीतीश को कहा कि आप रामचंद्र हैं और मैं आपका हनुमान हूँ। मेरा बेटा 7 साल 4 महीने का हो गया है लेकिन चल नहीं पाता है। फरियादी ने सीएम से कहा कि भैया हमारी मदद कीजिए, बच्चे को बहुत दवा खिलाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। फरियादी की पूरी बात सुनने के बाद सीएम ने मामला स्वास्थ्य विभाग के पास भेज दिया। बिहार में आज पेट्रोल डीजल के दाम सोमवार यानी कि आज पेट्रोल डीजल की नई रेट जारी कर दी गई है, जिसमें राजधानी पटना की बात करें तो पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए में बिक रहा है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर जिले में पेट्रोल 108.02 रुपए, डीजल 94.74 रुपए प्रति लीटर, पूर्णिया में पेट्रोल 108.73 रुपए और डीजल 95.41 रुपए प्रति लीटर, भागलपुर में पेट्रोल 107.82 और डीजल 94.56 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं गया में 108.22 रुपए और डीजल 94.95 रुपए प्रति लीटर बेची जा रही है। बता दें कि आज सोमवार को अररिया, बेगूसराय, औरंगाबाद, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, लखीसराय, किशनगंज जिलों में आज तेल महंगा हो गया है, जबकि बांका, भागलपुर, बक्सर, खगड़िया, मधुबनी, रोहतास, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और सुपौल में तेल के दाम गिर गए हैं। मैच विनिंग पारी के बाद ईशान किशन ने दिया बड़ा बयान। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। बता दें कि सीरीज का दूसरा मैच बीते दिन रविवार को रांची में खेला गया था। इस मैच में श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर बैटर ईशान किशन ने बेहद ही शानदार विनिंग पारी खेली, जिसके बाद ईशान किशन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आईपीएल में मैं 99 पर आउट हुआ था, 2 बॉल पर 5 रन चाहिए थे, तब मैं रोटेट करने की सोचता तो शायद मैच जीतना भी मुश्किल हो जाता। कुछ प्लेयर्स की ताकत स्ट्राइक रोटेट करना होता है लेकिन मेरी ताकत छक्के मारना है, मैं आसानी से छक्के मार सकता हूं और कई खिलाड़ी ऐसा नहीं कर पाते। अगर मैं अपना काम छक्के मारकर कर सकता हूं तो मैं स्ट्राइक रोटेट करने के बारे में नहीं सोचता। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राकेश शर्मा, मुतुल रंगीला, सरिता पासवान, विपुल कुमार यादव, मोहम्मद नौशद राजा, कुलदीप कुमार, शंकर मुखिया, अनवर करीम खान, मिनहास सैक, राधा कुमारी, भान प्रकाश मौर्य, नुनू कुमार, रोहित ठाकुर, रंजीत कुमार ठाकुर, कुमार कौशल सिंह। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार अब तक बिहार से बने किस क्रिकेट खिलाड़ी ने राज्य का नाम ऊंचा किया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।